तो कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या एनर्जी है। आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो फिर न्यूक्लियस को तो ब्रेक हो जाना चाहिए ना, पर वो फिर भी स्टेबल है। क्यों केमिस्ट्री में करते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है। आप केमिस्ट्री में फोर्स नहीं पढ़ते, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिन्होंने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स नहीं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है बांध के रखने की एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी। तो फोर्स देखो, एक कॉन्सेप्ट फोर्स का है और एक कॉन्सेप्ट पैरेलली एनर्जी का भी चलता है, जहां फोर्स है वह एनर्जी भी है। यहां पर हम एक्सप्लेनेशन फोर्स से नहीं देंगे, यहां पर एक्सप्लेनेशन एनर्जी से देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी है। एक और डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी की, क्या डेफिनेशन है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आपके पास मान लें एक स्टेबल न्यूक्लियस है, आप उस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ के सभी न्यूक्लियॉन्स को बहुत दूर फेंकना चाहते हैं ताकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के न्यूक्लियॉन्स को दूर भेजना पड़ेगा ताकि आपस में इंटरेक्ट ना कर सके। तो कितना आपने वर्क डन किया इस न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो दो डेफिनेशंस हैं, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट करने के अमाउंट ऑफ वर्क डन को भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन की कैसे जाती है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ऐसा समझा जाता है कि सपोज करो आपके पास कुछ, आप प्रोटॉन्स ले आए, इमेजिन करें कुछ प्रोटॉन्स ले आए और कुछ न्यूट्रॉन्स ले आए, अलग 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 न्यूट्रॉन्स ले आए, कुछ प्रोटॉन्स ले आए कुछ न्यूट्रॉन्स ले आए, और इन्हें मिला के मैं चाहता हूं कि एक पैक करें और क्या बना दें मेरे लिए, एक न्यूक्लियस बना दें। तो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए है, प्लीज ये एक्चुअल में नहीं होता, वैसे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मार्केट में थोड़ा मिलते हैं कि ले आओ उठा के पैक कर दो। तो मान ले एक मिनट के लिए कि आप 2 kg प्रोटॉन ले आए, मान लो मिलते हैं, आप 3 kg न्यूट्रॉन ले आए, तो कायदे से न्यूक्लियस के अंदर क्या मास आना चाहिए? 5 kg, लेकिन नहीं आता, कम आता है, 5 kg से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? जब न्यूक्लियस बनता है तो मास गायब हो जाता है, इंडिविजुअल मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का हमेशा ज्यादा होगा और न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि कम नहीं होता, गायब नहीं होता, एक्चुअल में क्या हुआ, वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कैसे? कितना मास गायब हुआ या कम हुआ? तो इंडिविजुअल मास में से न्यूक्लियस के मास को क्या कर दिया? माइनस। तो क्या आ गया? मास डिफेक्ट आ गया, इतना मास चला गया, इतना मास गया, ये मास गया नहीं है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। कैसे? मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0.5, और सी की वैल्यू क्या है? 3×10⁸ का स्क्वायर। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो कुछ जो मास है वो कम हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि उसने न्यूक्लियॉन्स को बांध के भी रखना है। तो कॉन्सेप्ट समझाया बाइंडिंग एनर्जी का। तो न्यूमेरिकली बाइंडिंग एनर्जी को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी में क्या ढूंढा जाता है? मास का डिफेक्ट। तो जैसे आप इंडिविजुअल प्रोटॉन ले आए, मान लो एक प्रोटॉन का मास छोटा एमपी है, और एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जेड। तो जेड इंटू छोटा एमपी क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। एक न्यूट्रॉन का मास क्या है? एम ऑफ छोटा एन। तो टोटल मास कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इंडिविजुअल मास किसका हो गया? प्रोटॉन्स का। ये इंडिविजुअल मास किसका हो गया? न्यूट्रॉन्स का। और फिर क्या बना? एक न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस का मास क्या है? एम कैपिटल एन, न्यूक्लियस का मास है। अब मैंने आपको क्या समझाया कि इंडिविजुअल मास बड़ा होता है, तो ये देखो इंडिविजुअल मास दिस प्लस दिस में से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? डेल्टा एम, जिसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट डेल्टा एम को सी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन है बाइंडिंग एनर्जी का, बिल्कुल भी याद नहीं करना, सिर्फ बनाना सीखना है कि कैसे हुआ।
इसके आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, तो ये स्टेप क्लियर है। लेकिन इसमें लॉजिक है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना चाहते हैं, मास डिफेक्ट, और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है उसमें बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है।